कांट थाना क्षेत्र के गांव गांवड़ी में 9 जून की रात्रि अभियुक्त नंदराम उर्फ नंदू पुत्र उदल सिंह व उसके भाई सतीश मृतक जोगेंद्र के घर के बाहर आपस में झगड़ा हो रहा था, जिसको देखकर जोगेंद्र के भाई विकास ने दोनों को अपने घर के बाहर झगड़ा करने से मना किया तो इस पर नंदराम उर्फ नंदू विकास से नाराज हो गया और देखने की धमकी देकर चला गया। कुछ समय बाद नंदराम अपने घर से 12 बोर का तमंचा लेकर विकास के घर पर आया और विकास को बाहर आने के लिए कहा। घर के बाहर सामने खाली पड़े प्लॉट पर विकास का छोटा भाई जोगेंद्र चारपाई पर सो रहा था, वह भी आवाज सुनकर जाग गया। तभी विकास व उसके बड़े भाई विनोद, मुकेश व छोटा भाई प्रदीप व बहन ओमवती सभी एक साथ घर की तरफ आए। उन्हें एक साथ आता देख नंदराम ने समय करीब 11:30 बजे रात्रि में जोगेंद्र के बाएं कान के नीचे गले पर तमंचे की नाल रखकर गोली चला दी, जिससे जोगेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई और नंदराम वहां से तमंचा लहराते हुए भाग गया। पुलिस नंदराम की निशानदेही पर ग्राम गावड़ी के ओमवीर पुत्र नत्थू सिंह के आम के बाग में बाहर की तरफ बने कमरे की दीवार के बराबर से तमंचा 12 बोर देसी नाजायज मैक खोखा कारतूस के बरामद किया गया। अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए ये बताया कि ये वही तमंचा है जिसे मैंने जोगेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसके आधार पर धारा 3-25-27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि भी की है। ये थाना कांड का ग्राम गांवड़ी का मामला है। यहाँ पर दिनांक 9/6/22 को रात 10 बजे के आसपास नंदू उर्फ नंदराम और सतीश दोनों भाई भाई हैं, उनमें झगड़ा होता है और ऐसा संज्ञान में आया है कि दोनों शराब के नशे में थे। विकास के द्वारा उनको झगड़ा करने से मना किया गया और तो नंदू उर्फ नंदराम ने विकास के साथ भी झगड़ा करना शुरू कर दिया। उस समय तो इनको समझा बुझाकर भेज दिया गया। थोड़े समय के बाद नंदू उर्फ नंदराम विकास को पूछता हुआ आया हाथ में तमंचा लेते हुए कि विकास कहाँ है। विकास उसको मिला नहीं। विकास का भाई जोगेंद्र जो घर के बाहर चारपाई पे सो रहा था उसको इसने गोली मार दी। उस पर पुलिस के द्वारा थाना कांड पुलिस के द्वारा मुकदमा प्रा संख्या 215 अंडर सेक्शन 302-504 IPC पंजीकृत किया गया। इसके आधार पर हमने जो नंदू उर्फ नंदराम है इनको जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और इनकी निशानदेही पर जो आला कतल है तमंचा है 12 बोर का उसको बढ़ा दिया गया। अग्रिम कार्रवाई जो है साक्ष्य संकलन के आधार पर संपूर्ण की जाएगी। मैं भी कहाँ से हुई गिरफ्तारी वहीं से हुई है।